नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी इंडिया गठबंधन महारैली की, मेरठ में पीएम मोदी के चुनाव अभियान के आगाज की, बात करेंगे गुजरात में कांग्रेस के बड़े दावे की, पीएम पर लगे राष्ट्रपति के अपमान के आरोप की, जानेंगे चुनाव आयोग ने जारी किया क्या फरमान, और बुलेटिन के आखिर में बात रोजगार को लेकर घिरी मोदी सरकार की। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कांग्रेस ने बिहार की 3 सीटों पर किया उम्मीदवार का ऐलान। कटिहार से तारिक अनवर, भागलपुर से अजित शर्मा, किशनगंज से मोहम्मद जावेद को बनाया उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के भोजशाला में एसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष, 1 अप्रैल को सुनवाई। लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को ललकारा, कहा बंगाल का मतलब केवल तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी पहले 200 सीटें जीत कर दिखाए। महाराष्ट्र बीजेपी में बगावत, बीजेपी नेता हरीश चंद्र चौहान ने पार्टी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा, डिंडोरी की सीट से टिकट न मिलने के चलते हैं नाराज। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ महारैली हुई। इसमें 28 दलों के दिग्गज नेता शामिल हुए। विपक्ष के नेताओं ने एकजुटता के साथ दावा किया कि इस बार की लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। तो आखिर क्यों लोकतंत्र को लेकर हो रही है चिंता, और इंडिया की रैली में क्या दिया गया है संदेश, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज लोगों का जनसैलाब दिखाई दिया। मंच पर 28 दलों के दिग्गज जुटे थे। पूरे इंडिया गठबंधन में एकजुटता दिखाई दी। संदेश साफ था कि इस बार मोदी और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल लड़ाई है। रैली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यहां मैच फिक्सिंग की जा रही है। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि इन चुनावों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चुनाव आयोग में अपने 2 लोग को लाया गया, हमारे 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। ये सब करना था तो 6 महीने पहले करते, लेकिन आपको ये अभी करना था ताकि मैच फिक्सिंग हो सके। मेरी बात गौर से सुन लीजिए, अगर भाजपा जीती और उन्होंने संविधान को बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है, ये देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है, ये चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब संविधान को बचाएं, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है। देश में सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ का निजीकरण कर दिया। रैली में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा, पीएम मोदी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया, क्या उन्होंने ठीक किया? ये लोग केजरीवाल को ज्यादा दिन तक जेल में नहीं रख पाएंगे। केजरीवाल शेर है, करोड़ों लोगों के मन में बसते हैं। रैली में जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र को खत्म करने के लिए तानाशाही ताकतों ने अपने कदम बढ़ाए हैं, उसका अंत जनता इस चुनाव में कर देगी। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला ने भी संबोधित किया, और सभी ने पीएम मोदी को अपने निशाने पर रखा। दिल्ली में पूरा इंडिया गठबंधन जुटा था तो मेरठ में एनडीए के यूपी के नेता जुटे थे। पीएम मोदी की रैली थी, इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज कर दिया। रैली में पीएम मोदी ने विपक्ष के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। तो आखिर क्यों मेरठ से ही अपने चुनाव अभियान को शुरू किया पीएम ने, देखिए ये रिपोर्ट। मेरठ में बीजेपी की आज रैली हुई। पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही एनडीए गठबंधन के यूपी के सभी नेता मंच पर दिखाई दिए, लेकिन मंच पर लगे पोस्टर पर सभी की नजरें लगी रही, क्योंकि मंच पर जो पोस्टर लगा हुआ था उसमें पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के किसी भी दिग्गज की तस्वीर नहीं थी। पीएम के अलावा सिर्फ चौधरी चरण सिंह की ही तस्वीर दिखाई दी। बीजेपी चरण सिंह की तस्वीर के सहारे किसानों को मनाने की कोशिश में जुटी हुई है। रैली में पीएम मोदी ने रोजगार पर कोई बात नहीं की, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र कर साफ कर दिया है कि बीजेपी का चुनावी एजेंडा क्या रहने वाला है। पीएम मोदी ने कहा कि कभी अयोध्या में राम मंदिर बनेगा ये लोगों को मुश्किल लगता था, लेकिन राम मंदिर बना और इस बार अवध में रामलला ने भी खूब होली खेली। पीएम मोदी ने करीब 45 मिनट तक भाषण दिया। उन्होंने राम राम से भाषण शुरू किया और भारत माता की जय पर खत्म किया। रैली में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारी सरकार पूरी ताकत से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है।
तो ये लोग एक हो गए हैं। इनको लगता है कि मोदी इनसे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल रही, इसलिए कई बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपने टीवी पर देखा कि कहीं बिस्तर से नोट निकल रहे हैं, कहीं दीवारों से निकल रहे हैं। अभी अभी तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन में नोटों के ढेर थे। बीजेपी के लिए इस बार यूपी में लड़ाई मुश्किल दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी हालात खराब होते दिख रहे हैं। पार्टी उम्मीदवारों के बयान अब बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं, तो कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुट गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि गुजरात में इस बार बीजेपी के हाथ से बाजी फिसल रही है। तो क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। गुजरात में बीजेपी की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। क्षत्रिय समाज के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला के बयान को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। क्षत्रिय समाज बीजेपी प्रत्याशी बदलने की मांग पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब इस मामले में कांग्रेस ने अहम बयान दिया है। कांग्रेस ने मामले को भगवान राम से जोड़ते हुए रूपाला के बयान को भगवान राम का अपमान बता दिया है, जिसके बाद बीजेपी अपने ही दांव में फंसती हुई नजर आ रही है। दरअसल आणंद लोकसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अमित चावड़ा ने खुद को क्षत्रिय बताते हुए कहा है कि भगवान प्रभु श्री राम का पहला आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। चावड़ा ने कहा कि बीजेपी नेता क्षत्रिय समाज का अपमान कर रहे हैं, भगवान श्री राम भी क्षत्रिय कुल के थे। चावड़ा ने बीजेपी प्रत्याशी के बयान को भगवान राम से जोड़ दिया। उनके इस बयान से साफ है कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर को बुराने की बीजेपी की अब तक की सारी कोशिशों पर पानी फिर चुका है और अब बीजेपी इससे निकल भी नहीं पा रही है। बीजेपी के अपने नेता भी अब रूपाला के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रूपाला के बयान से क्षत्रिय समाज नाराज है और बीजेपी ने रूपाला के बयान के एक सप्ताह बाद तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। साफ है कि बीजेपी के दूसरे क्षत्रिय नेताओं पर भी अब दबाव पड़ रहा है कि वो भी पार्टी से इस्तीफा दे दें। वहीं कर्णी सेना के गुजरात अध्यक्ष वीरभद्र ने कहा कि क्षत्रिय समाज में गुस्सा रोष है। इस अपमानजनक बयान का कर्णी सेना विरोध करती रहेगी, जिसे देखकर ये साफ हो गया है कि अब बीजेपी को गुजरात की जनता, क्षत्रिय समाज ही नहीं बल्कि पार्टी के अपने नेताओं की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी क्षत्रियों के गुस्से से कैसे निपटेगी। पार्टी के कदवार नेता को लड़ाने के ऊपर कायम रहेगी या फिर क्षत्रियों की मांग के बीच नया रास्ता निकलेगा, क्योंकि अगर बीजेपी ने जनता के गुस्से के दबाव में टिकट नहीं बदले तो पार्टी की बड़ी हार तय हो जाएगी और ये हार सिर्फ राजकोट में ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में मिलेगी। विवादों में गुजरात बीजेपी के नेता ही नहीं है बल्कि पीएम मोदी भी घिर गए हैं। रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया। इस दौरान पीएम मोदी भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीर और वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिससे पीएम मोदी भी मुश्किल में फंसते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या है खबर, देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी पर देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति के अपमान के आरोप लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति का सम्मान नहीं किया। दरअसल एक तस्वीर और उससे जुड़ा एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जिस वक्त राष्ट्रपति लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मानित कर रहे हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री वहां कुर्सी पर बैठे दिखे। अब इसे लेकर विवाद छिड़ गया है। पीएम के बैठे होने पर विपक्ष उन पर हमलावर है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि यह कैसा प्रोटोकॉल है जहां राष्ट्रपति खड़ी है और पीएम बैठे हैं, यह सर्वोच्च नागरिक का अपमान है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से तस्वीर को पोस्ट कर लिखा है, अपमान, घोर अपमान, महामहिम का अपमान, संविधान का अपमान, लोकतंत्र का अपमान, आदिवासियों का अपमान। सपा चीफ अखिलेश यादव ने भी इस मामले में पीएम पर तीखा तंज कसा है। अखिलेश ने कहा है कि देश की प्रथम नागरिक मतलब राष्ट्रपति का मान सम्मान सर्वप्रथम और सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन आज हमारे पीएम ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। दरअसल लाल कृष्ण आडवाणी को आज देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके घर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। आडवाणी के खराब स्वास्थ्य को लेकर यह फैसला लिया गया था। विपक्ष इस मामले में पीएम मोदी को घेर रहा है। आदिवासी समुदाय से आने वाली राष्ट्रपति के अपमान का मुद्दा उठाया जा रहा है
और ये मुद्दा लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने भी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो क्या है चुनाव आयोग का दिशा निर्देश, देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 की चुनावी प्रक्रिया जारी है। पहले चरण के मतदान में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और इसी बीच निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के लिए अहम घोषणा की है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि किसी भी राजनीतिक दल के स्टार प्रचारकों के पास 1 लाख से अधिक कैश नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों की कमान कस दी है। आपको बता दें कि सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी चुने गए हैं। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्टार प्रचारक घोषित किया है, तो टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे अलग अलग पार्टियों ने इनके स्टार प्रचारकों का चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। इस चुनाव अभियान के शुरू होते ही चुनाव आयोग ने यह ऐलान कर दिया है कि कोई भी स्टार प्रचारक अपने जेब में केवल 1 लाख रुपए तक ही रख सकता है। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक किसी भी पार्टी का प्रत्याशी अपनी जेब में 50,000 और उसका प्रचार करने आए स्टार प्रचारक 1 लाख से ज्यादा की कीमत अपने जेब में नहीं रख सकता है और इसके उल्लंघन पर पैसे तो जब्त किए ही जाएंगे, साथ ही सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्याशी अपने रोजाना के खर्चे के लिए एक अलग से रजिस्टर रखेंगे और उसका पूरा ब्यूरो हर रोज चुनाव आयोग को भेजेंगे। इस रजिस्टर में प्रत्याशी अपनी हर रैली का स्थान, तारीख और उसमें खर्चा हुआ सब कुछ का हिसाब रखेंगे। आयोग ने स्टार प्रचारकों से लेकर उम्मीदवारों तक सबके लिए अपने साथ कैश रखने की लिमिट तय कर दी है। साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि अगर लिमिट पार की तो सख्त कार्रवाई होगी। आयोग सख्त दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ लद्दाख में चुनावों के बीच अलग राज्य की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन भी जोर पकड़ रहा है और अब इस आंदोलन की कमान महिलाओं ने संभाल ली है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लद्दाख में मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। इनोवेटर और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान के 6वें शेड्यूल में शामिल करने की अपनी मांग को लेकर 21 दिन तक प्रदर्शन किया। उन्होंने 8 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में अपना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान वांगचुक ने कहा था कि हम लद्दाख में हिमालयी पहाड़ों के नाजुक परिस्थिति की तंत्र और यहाँ की अद्वितीय स्वदेशी जनजाति संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और उनकी यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और अब महिलाओं ने सरकार के खिलाफ ये मोर्चा आगे बढ़ाने की ठान ली है। शुक्रवार को 70 महिलाएं लेके उसी एनडीएस मेमोरियल पार्क में -8 डिग्री सेल्सियस की सर्दी में प्रदर्शन पर बैठ गईं और बीते 4 दिन से इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रोज लगभग 500 महिलाओं का झुंड भी आता है। 6 अप्रैल तक महिलाएं अपना प्रदर्शन जारी रखेंगी और उसके बाद भी अगर सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी तो युवाओं का 10 दिन के लिए प्रदर्शन शुरू होगा। महिलाओं के अनशन के बाद 7 अप्रैल को लेह के शीर्ष संस्था के बैनर तले LAC के पास चांगथांग की ओर बॉर्डर मार्च या पश्मीना मार्च किया जाएगा ताकि यह पता लग सके कि भारतीय चारागाह की कितनी भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इस मार्च में 10,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। इस प्रदर्शन में महिलाएं बीजेपी का 2019 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र की प्रतियां लहरा रही हैं, जिसमें बीजेपी ने लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने का वादा किया था। सोनम वांगचुक ने भी एक वीडियो मेसगे के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने चुनावी वादे पूरे करने की अपील की थी। ऐसे में अब सबकी निगाहें पीएम मोदी पर टिकी हुई है। क्या वो अपने किए वादे पूरे करेंगे या विपक्ष के आरोपों के तहत वो भी बस एक जुमला था। और बुलेटिन के आखिर में बात रोजगार की। भारत के युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, देश की जनता महंगाई से परेशान है। अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। भारत में नियमित वेतन पाने वालों की भी मासिक कमाई घट रही है। श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर न्यूनतम मेहनताना नहीं मिल रहा है। तो और क्या बड़े खुलासे सामने आए हैं इस रिपोर्ट में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और मानव विकास संस्थान ने हाल ही में भारत में रोजगार को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस नई इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत में बेरोजगारी की बढ़ती समस्या और रोजगार प्राप्त युवाओं की भी समस्या पर डिटेल में बात की गई है और बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं।
इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में नियमित वेतन पाने वालों और स्वरोजगार में लगे लोगों की वास्तविक कमाई में गिरावट आई है। ये रिपोर्ट सरकारी आंकड़ों के आधार पर बनाई गई है, जिसमें वास्तविक कमाई का आकलन महंगाई यानी मुद्रास्फीति के आधार पर किया गया है। इस रिपोर्ट के तहत 12 वर्षों में नियमित कर्मचारियों की आय 12,100 से घटकर 10,925 रुपए हो गई है, जबकि अनौपचारिक श्रमिकों के मामले में स्थिति विपरीत है, उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि देश में रोजगार की गुणवत्ता घट गई है, रोजगार की स्थिरता पर संकट बढ़ गया है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर न्यूनतम मेहनताना नहीं मिल रहा है, श्रमिकों के वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में 40.8% नियमित श्रमिकों और 51.9% आकस्मिक श्रमिकों को उतना पारिश्रमिक नहीं मिल रहा जितना उस क्षेत्र में किसी अकुशल श्रमिक के लिए प्रतिदिन के लिहाज से कम तय किया गया है। कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा जो स्वरोजगार में लगा हुआ है, उनकी कमाई भी कम हुई है। इनकी वास्तविक कमाई में सालाना 0.8% की गिरावट आई है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद देश में रोजगारी की समस्या को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल गंभीर हो गए हैं। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।